द चैनल, कैसे आप सभी। तो आज मैं छोटा सा ब्लॉग एक शूट कर रही हूँ। आई डोंट नो आज द डेट वेट क्या है, 8 मई या 9 मई हो सकता है डेट। और छोटा सा ब्लॉग शूट करने का सोचा, थोड़ी सी रेडी हो रखी थी क्योंकि मैंने वीडियो शूट किया है ना, तो थोड़ा सा रेडी हो रखा है। ओके, बाय द वे ये वाला जो पेंडेंट है ना, ये मुझे मैंने बाय नहीं किया है, इसको गिफ्ट मुझे मिला है कबूतरों ने, तो कबूतर बीट्स बच गई, नहीं तो मेरे ऊपर ही करता। ओके, तो ये वाला मैंने आपने बहुत पहले एक ASMR का लिपस्टिक का वीडियो मैंने किया था, वो आउट ऑफ इंडिया से मुझे आया था, काफ़ी अच्छा वीगन लिपस्टिक था, तो वो लिपस्टिक भी मैंने खा गई वो पूरा। तो वो वहीं से ये मुझे गिफ्ट के रूप में मिला था, एक लिपस्टिक और ये आया था, तो काफ़ी अच्छा है, कलर ख़राब नहीं होता, नहा भी लो इसको पहन के, और ये ना लगता है ओरिजिनल डायमंड की तरह है, ये देखो है ना, ओरिजिनल डायमंड की तरह लगता है। मैंने हाथ में ही फ़ोन पकड़ रखा है इसलिए बहुत अच्छे से आवाज़ नहीं आएगी और ना ही माइक लगा रखा है। ओके, तो आज आई थिंक 8 तारीख है और अभी शाम की ओर 7 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट शाम के 7 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पे अभी दिन है, रात नहीं हुई है, मतलब शाम हो गई है और रात नहीं हुई है। इंडिया के बहुत सारे जगह पे रात हो चुकी होगी इस टाइम में। और कुछ चीज़ें हैं आप लोगों से शेयर करना है। सबसे पहले तो अभी ये कोरोना काल है, इसमें भी लोग शादियाँ कर रहे हैं जो कि मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ कि शादी किसी ने अगर ये कर रखा है, लेकिन पोस्टपोन किया जा सकता है। और इस टाइम में ना शादियों में देखो क्या हालत हो रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, 50 लोग भी इकट्ठे होंगे, 50 से 50 हज़ार होते हुए कम नहीं लगता है। तो कोई ना कोई अगर इन्फेक्टेड होगा तो उससे और लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और लड्डू रो रहा है, लड्डू लड्डू पुंदू इधर इधर। तो लड्डू आ गया, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि वो सेमी नंगू है, मतलब कपड़े पहन रखा है लेकिन पूरा कपड़े नहीं पहन रखा है। चलो उधर। ओके, तो मैं आप लोगों से कुछ बात करती हूँ। शादियाँ इस टाइम में होनी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सही टाइम नहीं है शादी करने का, चाहे लड़के की हो या लड़की की हो। लड्डू इधर तंग कर रहा है। दूसरी चीज़ है, लॉकडाउन चल रहा है ना, और ये मेरे कपड़े सूख रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, देखो रोड पे गाड़ियाँ ऐसे थोक के भाव में चल रही है, हम रोड के सामने ही रहते हैं, देखो गाड़ियाँ ऐसे ही चल रही है, कहीं से लग रहा है लॉकडाउन है, कहीं से भी नहीं लगेगा। दूसरा, ये हमारे घर के नीचे ही क्रिकेट अकेडमी है, आप देख सकते हो दो अकेडमी है, ये है एक उधर है, और दोनों में सुबह 5 बजे से लोग आके प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, नो मास्क नो सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं है, बच्चे खेलते हैं बड़े खेलते हैं, और किसी को किसी चीज़ का भी फिक्र नहीं है कि भाई इस टाइम में क्यों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं तो हम लोग थोड़ा सा जो रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, कुछ नहीं होता। और उधर आओ, उधर जाओ। दूसरी बात लोग सोचते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, वैक्सीन नहीं दे रही है, बहुत सारी चीज़ें लोगों की शिकायत होती है, अफकोर्स मेरी भी होती है, लेकिन ये जो पैंडेमिक टाइम है, इस टाइम को किसने लाया है, हम लोगों ने ही फैलाया ना, खुद से फैलाया है ना। अगर हम सही से नियम के साथ चलते तो ये चीज़ें होती नहीं। और ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कोई चाहता है बीमार होना, कोई नहीं चाहता है बीमार होना, लेकिन हाँ अगर हम थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते, बिना काम के घर से ना निकले, तो थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी चीज़ वैक्सीन की बात है, तो अफकोर्स अभी इंडिया में इतनी वैक्सीन नहीं आ रही बन रही है कि वो लोगों को वैक्सीन लगा पाए, और जितने हैं वो बहुत कम है। इंडिया की जनसंख्या ऑलमोस्ट 150 करोड़ है, इसके आसपास होगी, 140 करोड़ ही सही, लेकिन है तो सही। तो इतने लोगों के लिए वैक्सीन बनाना और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, लगाना बहुत टफ होता है, इसके लिए हम गवर्नमेंट को हर बार में दोषी नहीं मान सकते।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे डिस्कस आप लोगों से करनी है, लेकिन अब धीरे धीरे करेंगे। थोड़ा बहुत सोशल राय अपनी रखना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन बोलने का सही माध्यम नहीं मिलता। अब क्योंकि मैं YouTube पे हूँ तो सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा अपनी राय रखूँ। आम जनता जो भी मेरे जैसे और भी जो लोग हैं वो कितने सहमत हैं, आप लोग कितने सहमत हो मेरे से बताते रहना, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे ये भी बता देना। बस मैं आप लोगों के साथ अपना जो थॉट्स है वो रखना चाहती हूँ। चलिए अब बनाती हूँ चाय, इसके डेटा को चाय की ज़रूरत है और लड्डू। चलो हेलो बोलो। हेलो आंटीज बोलो। अभी मैं फूले कपड़े नहीं पहन के हूँ। हेलो आंटीज बोलो बोलो। हेलो आंटीज बोलो। मम्मा मुझे बालकोनी में अकेले छोलती ही नहीं है। मम्मा नहीं छोलती आप बोलो बाल बाल बाल। ये मम्मा नहीं छोलती मुझे बालकोनी में अकेले। बस इसको प्यार आ गया मम्मा पे। तो अभी बन रही है मेरी चाय, क्योंकि शाम की चाय बहुत ज़रूरी होती है। वैसे भी हमारे घर में बहुत बार चाय बनती है और हम लोग बहुत बड़े चाय के एडिक्टर हैं, तो चाय हमारे लिए मस्ट है। और चाय को एकदम हिसाब से उबालना चाहिए, बहुत ज़्यादा उबालने से चाय ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये है तुलसी अर्क जो मैं चाय में भी डालती हूँ और जब लड्डू को दूध देती हूँ तो उसमें भी डालती हूँ। ये थोड़ा सा इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग करते हो तो आप लोग ज़रूर बताना, और नहीं करते हो तो किया करो। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं मेरा स्टूडियो रूम। मेरे पास दो स्टूडियो रूम है, जिसमें एक में स्किन केयर का सामान है, जैसे कि ये आप देख रहे हो। तो इसमें सारे स्किन केयर वाले जो प्रोडक्ट होते हैं जो हम सेल करते हैं, और दूसरा जो है वो है हमारे पास मेकअप सेक्शन। और यहाँ पे मैं आज तक देख रही थी, क्योंकि मुझे आज तक का ये क्राइम तक बहुत पसंद है। तो अभी रात के बज रहे 12:15 और आज बहुत लेट हो गया, अभी पैकिंग भी शुरू नहीं किया है। और यहाँ पे कुछ ज्वेलरी रखी है, ये मैंने अलग रख रखे है, ये पैकिंग करने हैं। प्लस यहाँ पे मेरा जो सारा सेक्शन है वो सारा है, इसमें से मेकअप अभी निकालना है, तो अभी प्रिंट आउट निकालूंगी, सारा प्रिंट आउट निकालना है। और फिर प्रिंट आउट के अकॉर्डिंग जो भी ऑर्डर होते हैं उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसके अकॉर्डिंग सारा सामान को निकाल के फिर पैकिंग करना शुरू करूँगी। एक्चुअली आज लेट हो गया है, मेरे हस्बैंड आज सो रहे हैं और प्रिंट आउट वगैरह वही निकालेंगे। मैं इधर का काम फिनिश कर ली हूँ और जस्ट वो उठेंगे, खाना खाएंगे और फिर हम लोग काम पे लग जाएंगे। तो लड्डू भी अभी जगा हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा काम है कि उसको पहले सुलाना, ये काम इसके डैडा करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी हमारे यहाँ का हालत देखिए, देख सकते हो बहुत धूप है। और नीचे देखो, बंदर ने आम खाकर यहाँ पे गंदगी कर रखी है। मैं तो सफाई करने के लिए हुई ही, मेरा बेटा चिल्ला रहा है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी पैक रात में पैकिंग चलेगी, तो ये हुआ सारा पैकिंग। इसमें सारे प्रोडक्ट है जो भी पैकिंग वैकिंग हुए हैं। अब इसमें से ना अलग अलग कोरियर वाले आएंगे, सॉरी अलग अलग कोरियर वाले आएंगे, जैसे कि डिलीवरी है, प्रोफेशनल कोरियर है, और भी 2-3 कोरियर, मतलब टोटल 6 कोरियर वाले आते हैं। और क्योंकि हर एरिया का ना अलग अलग कोरियर पार्टनर होता है, हर एरिया का जो कुरियर पार्टनर है वो अलग अलग होते हैं, तो लगभग 6 कुरियर पार्टनर आते हैं और इसमें से छटाई होगी। अभी ये है, अभी और 20 ऑर्डर और है जिनको प्रोसेस करना है, जो कि लास्ट 6 बजे जाएंगे, 6 बजे का स्लॉट है, मतलब शाम को 6 बजे, तो वो अलग है, तो उसको भी अभी पैक करना है। तो ओवरऑल काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं, बस आप लोग हमें ऐसे किसका बच्चा इतना बदमाश होता है, बात नहीं करने देता। और आज मेरे बालों की हालत बहुत ख़राब है, मैं आज एक मास्क बनाने का सोच रही हूँ बालों में लगाने के लिए, क्योंकि बाल बहुत ही गंदी कंडीशन में है। मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ। तो लड्डू बीच में बहुत परेशान करने लगा, अब मैं जाके बनाने वाली हूँ, आज का शुरू करेंगे आज का काम वाम। और अभी क्योंकि सुबह के टाइम है तो थोड़ा सा घर बहुत अस्त व्यस्त सा है,
आज हमारा जो प्रोडक्ट है वो और भी आने वाला है, ऑर्डर दे रखा है तो कुछ प्रोडक्ट भी आने वाले हैं, और बस चल रहा है काम धीरे धीरे, कोशिश में लगे हैं कि काम थोड़ा बढ़ता रहे, और ये सब आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, तो बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, और हम ऐसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते रहेंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा हम दूसरों के लिए भी कुछ कर पाएंगे, तो यही भावना हम अपने अंदर रखते हैं कि थोड़ा सा खुद के लिए भी हो और थोड़ा सा औरों के लिए भी कुछ कर पाए। तो बस यही छोटा सा काम है, बोल सकते हो स्मॉल बिजनेस, तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश में पूरा लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत करते, देखो सोने की टाइम नहीं मिलती। देखो सोने का टाइम जो है बहुत कम मिलता है, बहुत ही कम, जो आंखों के डार्क सर्कल से आपको दिख रहा होगा, और देख लो नो मेकअप फेस है, मतलब नो मेकअप के अभी सो के जस्ट एक घंटे सोए और सो के उठे, और उसके बाद से सच बोलो तो अभी फेस वॉश वगैरह भी यूज़ नहीं किया, जस्ट पानी से फेस को वॉश किया है, और देखो बहुत डार्क सर्कल आपको दिखेंगे मेरी आंखों पे बहुत, और मेरे से ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड की आंखों पे दिखेंगे, तो मैं तो उनको बोलती हूँ तुम्हारा तो उम्र से पहले ही बुढ़ापा आ गया। बट हाँ, काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि बस करना ज़रूरी है, और क्या बोले, और साथ में बच्चे को भी देखना ज़रूरी है, तो इस पैंडमिक टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। सोचा था कि पिछले साल ही सोची थी कि मेरा बेटा 2 साल का हो जाएगा, फिर मैं उसको प्ले स्कूल में डालूंगी, एक्टिव खेलना वगैरह शुरू करेगा, 4 बच्चों से मिलेगा तो अच्छा फील करेगा, लेकिन पिछला साल भी पूरा ख़त्म हो गया और ये साल भी पूरा ख़त्म हो गया, तो ऐसा ही टाइम चल रहा है। पर ठीक है, सब इसी में करना होगा और बस लगे हुए हैं। तो आज का जो ब्लॉग है मैंने छोटा सा ही रखा है, आई नो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया मैंने, बट समझ सकते हो, एक तो घर की कंडीशन अभी बहुत ख़राब है, सारा जगह सामान फैले हुए हैं, और अब इसको ठीक करना है, रोज़मर्रा के काम करने हैं, खाना बनाना है, खाना नहीं बनाऊंगी तो खाऊंगी क्या, तो खाना बनाना है, फिर अपना यूट्यूब का वीडियो भी शूट करना है मुझे, और देख रही हूँ क्या क्या वीडियो शूट करें, क्या कर सकते हैं, तो उसका भी शेड्यूल कुछ करना है। आजकल वीडियो अपलोडिंग का कोई टाइमिंग नहीं है मेरा, तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि वीडियो किस टाइम अपलोड किया जाए, जिससे कि आप लोग उस टाइम देख पाओ, क्योंकि बहुत लोग देख नहीं पाते हैं, तो आप लोग एक टाइम सजेस्ट करो मुझे, कमेंट बॉक्स में बताओ कि किस टाइम में वीडियो को अपलोड करना चाहिए, मैं उसी टाइम में कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड करने के लिए। बस आज का ब्लॉग बस इतना ही रहने देते हैं, छोटा सा ही रखते हैं, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग के लिए भी कुछ होना चाहिए ना, तो आज का ब्लॉग इतना ही, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।